हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम ओजोन का परिचय देखेंगे। जी हाँ, ओजोन क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये सारी चीजों को हम समझते चलेंगे। अगर हम बात करें ओजोन की, तो आप सभी इस शब्द से क्या है, वाकिफ है। आपने सुना होगा कि ओजोन क्या होता है। ओजोन का एक परत होता है जो सूर्य की हानिकारक किरण होती है, जिसे हम पराबैंगनी किरण कहते हैं। इससे हमारी त्वचा के कैंसर की ये रक्षा करता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो कहाँ पाया जाता है, जो आपके समताप मंडल में पाया जाता है। जब हम वायुमंडल की परतें पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होता है और इसका क्या महत्व होगा, ये सारी चीजों को हम समझते चलेंगे। आप पृथ्वी पर ये जो लेयर देख रहे हैं, ये लेयर ही क्या है, आपका ओजोन लेयर है। और यही क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर रहता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण होती है उसको रोकने का प्रयास करता है। एक और इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पास, ये सूर्य है और ये खतरनाक किरणें हैं। जैसे इसमें सबसे खतरनाक जो है ये अल्ट्रावायलेट आपका सी है, ये अल्ट्रावायलेट ए और बी। तो ये ए जो होता है वो कम खतरनाक होता है इन दोनों के अपेक्षा, और सी जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो समझेंगे एक एक करके इन सारी चीजों को। और ये पृथ्वी है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, हमारा ये प्यारा पृथ्वी है और प्यारा भारत है, जो दिख नहीं रहा है इसमें हम लोग रहते हैं। और ये ओजोन लेयर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये जो आप लोगों को हाईलाइट हो रहा है ना, यही क्या है, आपका ओजोन लेयर है। और इसी के कारण हम क्या है, सुरक्षित हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ कैसी होती। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ओजोन के निर्माण की बात करें, तो आप सभी को पता है कि ओजोन किससे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से। यहां देखेंगे ओजोन जिसका सूत्र क्या है, याद रखेंगे ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर हम बात करें तो जो ओजोन होता है वो ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। अब यहाँ पास O3 लिखा है, मतलब O का एक अणु प्लस O का एक अणु प्लस O। अब ये तीनों मिलकर क्या कर लिए, ओजोन का निर्माण कर लिए, जिसे हमने क्या कहा, O3 कहा। आगे बढ़ेंगे, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा, लगभग 0.0004% पाई जाती है। सोचिए इतनी कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद ये हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना हम किसके शिकार हो सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं एक उम्र के पहले जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, हमें कैंसर का खतरा होगा जो मेनली त्वचा में देखने को मिलता है, और जानवरों के जीवन पर, पौधों के जो जीवन है, पौधा भी होता है, उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके समुद्र तट से ऊंचाई की बात करें, तो ये लगभग 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और ओजोन परत की ऊंचाई हम हमेशा पढ़ते हैं पृथ्वी की सतह से कितनी होती है, तो हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह से लगभग इसकी ऊंचाई 16 से 30 किलोमीटर या 32 किलोमीटर के बीच होती है। आप लोग पढ़े होंगे 6वीं कक्षा में भी हम अक्सर पढ़ते थे कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो लगभग 16 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। कहीं कहीं पर 30 भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है। कौन, आपकी ओजोन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी हो गई, ओजोन की हो गई। कुछ और भी देखेंगे, जैसे यहां पर हम मान के चले, देखिए लिखा हुआ है ओजोन O, मतलब O means ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनती है, जो पृथ्वी के ऊपरी एवं निचली दोनों वातावरण में पाई जाती है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि चाहे आप KVS का एग्जाम दे, चाहे आप CTET का एग्जाम दे, चाहे आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, चाहे बिहार, आप किसी भी स्टेट का अगर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां देखने को मिलेगा। और भी आप जो एग्जाम देते हैं व्यापम वगैरह का, आपके स्टेट में जो होता है वहां भी देखने को मिलता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो नोट्स बनाते चलेंगे, क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इसमें। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाया जाता है। अब यहां पर दो क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कौन कौन सा, पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है, तो लगभग 15 या 16
या 30 से 32 किलोमीटर, ठीक है। इसको से की जगह हम ये कर सकते हैं कि दोनों अमाउंट हमको याद रखना है किलोमीटर। तो मेनली 15 से आपका 30 किलोमीटर या 16 से 32 किलोमीटर देखने को मिलता है। किसकी ऊंचाई? आपकी ओजोन परत की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यह किस परत में पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि यह समताप मंडल में पाया जाता है। यह हमने देखा था जब हम वायुमंडल की परतें पढ़ रहे थे, तब हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम देख चुके थे, जो नहीं देखे एक बार वो कक्षा देख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की रक्षा करता है, और ओजोन परत का जो क्षय है, डिप्लेशन है, वो किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, और भी अन्य जो गैसें होती हैं उसके कारण भी ये ओजोन परत का क्षय देखने को हमें मिल रहा है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो और उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एग्जामिनर क्या करेगा? यहीं से सवाल देगा। अब वो आउट ऑफ सिलेबस तो जा नहीं सकता ना, तो यही चीजें हैं। अब देखिए, अगर हम इसका बात करें ओजोन छिद्र से भी सवाल आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र या हम लोग होल देखने को मिला था, तो वो किसके कारण हुआ था? ये ओजोन क्षरण के कारण ही हुआ था। लगातार CFC गैस का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। खैर, इस पर रोक लगा दिया गया है, पर भी से। अब यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, भूमध्य रेखा को छोड़कर ओजोन क्षरण या ओजोन आपका डिप्लेशन है, वो वैश्विक स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल की अगर हम बात करें, तो ये पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। किसको छोड़कर? केवल आपके भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है उसको अगर हम छोड़ दें, तो लगभग सारे एरिया में ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। CFC की जगह और भी जो गैस यूज हो रही है उसको भी बहुत ज्यादा क्या कर रही है? इम्पैक्ट डाल रही है। तो ये सभी कारणों के कारण क्या हो रहा है? ओजोन क्षरण देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखेंगे। ओजोन वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये चीजें क्लियर होगी। अगर आपसे कोई पूछे, एकदम बेसिक है, कि बताइए ओजोन परत किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वायुमंडल में भी कितनी परतें हैं, तो हमने कितना परत देखा था? तो 5 परत देखे थे। तो इन सभी का नाम याद रखना है। सबसे पहले हमने झोप मंडल देखा था, फिर हमने आपका समताप मंडल देखा था, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो ये सारी चीजों को हम देखते चले, तो सभी चीजों को क्लियर रखना है कि आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहते हैं, झोप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, बाह्य जो सबसे मंडल होता है उसमें क्या होता है, सारी चीजों को क्लियर करना है। क्योंकि एग्जाम में आपके वायु जो मंडल होते हैं, ये परत, वहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि अगर किसी ने ये कक्षा नहीं देखा है वायुमंडल की परते वाले, तो वो देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ओजोन हमारे में दुर्लभ रूप से पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख हवा, मतलब हमारे वायुमंडल में हम बात कर ले तो दुर्लभ रूप से पाया जाता है। प्रत्येक 10 लाख हवा के अणुओं पर औसतन करीब 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं। छोटी सी मात्रा में होने के बावजूद ओजोन का हमारे वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, इतनी कम मात्रा में, जैसे मैंने स्टार्टिंग के ही क्लास में कहा था कि इतनी कम मात्रा में पाए जाने के कारण भी ये बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है, और निश्चित सी बात है जो हमारी रक्षा करेगा वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये थी एक पॉइंट, और ये वाला छूट गया था। तो ये जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरण, जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, से रक्षा के लिए कवच का काम करता है। तो एक सवाल बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा गैस है, परत ना देके क्या देता है, गैस देता है, ऐसा कौन सा गैस है जो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। तो याद रखेंगे वो ओजोन गैस है। अब देखिए, एक सवाल है यहाँ पर से, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। हम लोग बार बार, मैं इसीलिए बार बार इन सभी चीजों को रिपीट कर रही थी ताकि क्वेश्चन क्लियर रहे। तो क्वेश्चन ना ऐसे देखने को मिलता है, ये बहुत एक बार KVS में भी पूछा गया था, एक बार CTET में भी पूछा गया था। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें
तो छत्तीसगढ़ के सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहां से ये सवाल देखने को मिलते हैं। खैर ये बेसिक सवाल है और बेसिक में ही लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ओजोन के परत की मोटाई ठीक है किससे मापी जाती है? अभी हम एक परत देख रहे थे, ये वाली। अब देखिए ये जो परत दिख रहा है आपको, अगर इसकी मोटाई नापनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए हम डॉप्सन इकाई का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे हमेशा सवाल देखने को मिलता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखेंगे वो डॉप्सन इकाई के द्वारा मापा जाता है। तो चलिए यहां पर हम क्वेश्चन देख रहे थे, ऑप्शन लगाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक, किससे मापा जाता है? तो याद रखना है ये है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई के द्वारा क्या किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, ध्यान में रखेंगे, अक्सर सवाल पूछा जाता है। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज, अब यहां पर किसकी बात आ गई? ओजोन छिद्र की बात आ गई, क्योंकि देखिए ओजोन छिद्र भी बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। मतलब छिद्र आ रहा है मतलब वहां पर वो हानिकारक किरण क्या होगा, प्रवेश कर लेगा। तो अगर हम बात करें तो अंटार्कटिक ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी? तो 1985 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक थे कौन कौन? आपके फॉरमन, गार्डिनर और संकलीन ने किया था। ये तीनों का नाम याद रखेंगे, फॉरमन, गार्डिनर और संकलीन। क्योंकि देखिए ये तीन व्यक्ति को नाम कौन कौन से, हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि हमको पता है एग्जाम का लेवल अब क्या होते जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसका नाम याद रखना है आपको? फॉरमन का। फॉरमन हो गए, दूसरे आपके कौन हो गए? गार्डिनर हो गए, गार्डिनर, और तीसरा आपके संकलीन। इनका नाम याद रखना है आपको, इन्होंने ही क्या किया था अंटार्कटिक में सर्वप्रथम ओजोन छिद्र के बारे में बताया था। जब ओजोन छिद्र की बात आई थी ना तो पूरे ये विश्व में फैल गया था, बहुत हाहाकार हो गया था, इसलिए तीनों का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इन तीनों के कारण ही हमें ओजोन छिद्र के बारे में जल्दी पता चला। वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर, अब देखिए पहला हम कहां देखे? ओजोन छिद्र में, आपके अंटार्कटिक में देखे, लेकिन दोबारा हमने कब देखा? तो दोबारा हमने आपके आर्कटिक में देखा। तो सवाल बनता है, अभी बनेगा सवाल, आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरी बार हमने कब देखा? आर्कटिक के ऊपर देखा। तो यहां ध्यान देंगे, वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में एक दुर्लभ छेद होने का अवलोकन किया। वे उत्तरी ध्रुव के ऊपर वायुमंडल में असामान्य रूप से कम तापमान के लिए इसका श्रेय देते हैं। मतलब ओजोन छिद्र का कारण क्या है? कम तापमान। ठीक है, तो प्रथम बार आपका अंटार्कटिका सभी को पता है कब? 1985 में। यहां देख लेते हैं, एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया। चलिए 1985 में, ठीक, तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है कौन कौन? फॉरमन, गार्डनर और आपके क्या नाम है इनका? संकलीन, संकलीन, इनका नाम याद रखना है। फिर दूसरी बार कहां देखे हमने? दूसरी बार हमने आर्कटिक में देखा। ठीक है, अब देखिए सवाल बना है यहां पर, प्रथम ओजोन छिद्र के ऊपर पाया गया, किसके ऊपर पाया गया? यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, किसके ऊपर पाया गया? तो आपके अंटार्कटिका के ऊपर प्रथम बार ओजोन छिद्र देखने को मिला। फिर दूसरी बार कब देखने को मिला? तो दूसरी बार देखिए यहां पर क्वेश्चन बना है, तो हमने पढ़ा कि दूसरी बार आर्कटिक में मिला, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको इजिली ये सब बुक में अवेलेबल नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप खोजेंगे ना चीजों को, सर्च करने की कोशिश करेंगे, उतना ही इजी होगा। और दूसरी चीज ये कि एग्जाम में ना अब सवाल वैसे ही आते हैं, मतलब अब इजिली चीजें नहीं मिलती है, जो बच्चा खोज खोज कर पढ़ रहा है, थोड़ा मेहनत कर रहा है, उसका आंसर जरूर बनेगा। तो अब सवाल चेंज हो चुका है ये हम कह सकते हैं। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है। ओजोन छिद्र सबसे बड़ा कब हुआ था? अब देखिए सबसे बड़ा कब देखा हुआ था, तो यहां ध्यान देंगे 1987 के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये एक संस्था मान सकते हैं कार्यक्रम को, यूएनईपी की हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये तो ओजोन से ही रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीजों को हम समझते चलेंगे, नेक्स्ट कक्षा में हम ये कवर करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि यहां से भी सवाल देखने को मिल सकता है। तो ओजोन छिद्र की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सीमा 28.4, याद रखेंगे 28.4
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे बड़ा छेद कब देखा गया, तो सन याद रखना है सितंबर 2000 में, और कितना है लगभग तो 28.4, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत ज्यादा बेसिक ऐसा है, मे बी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इन सभी चीजों को जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना जान लीजिए आपका कवर हो जाएगा और यहीं से घुमा फिरा के सवाल बनेंगे। तो 28.4 याद रखेंगे, ये सब डेट्स लिखे हुए हैं कि कैसे ओजोन का जो छिद्र है वो बढ़ता गया घटता गया, वो सारी मोटाई है, ठीक है। चलिए अगर हम ओजोन लेयर के प्रकार की बात करें तो देखिए ओजोन लेयर जो है वो हमें दो प्रकार से देखने को मिलता है, एक तो आपका हानिकारक वाला और एक तो जो हमारे लिए फायदेमंद है। फायदेमंद वो है जो हमें हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है उससे हमारी रक्षा करता है। फिर आपका हम कह सकते हैं हानिकारक कौन सा है, ये तो अच्छा वाला हो गया, ठीक है, जो हमारा सूर्य से रक्षा करता है हानिकारक किरण से। अच्छा वाला कौन सा हो गया, अच्छा वाला तो ये हो गया। बुरा वाला जो आपके झोप मंडल में होता है, अगर ये परत झोप मंडल में आ जाए तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। डिटेल में देखते हैं, ओजोन अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। झोप मंडल में ओजोन होता है जो जीवन के लिए खतरनाक है। जो परत हम कह सकते हैं झोप मंडल में होगा वो क्या होगा, हमारे लिए खतरनाक होगा। मतलब ओजोन की ऐसी परत जो झोप मंडल में देखने को मिलेगा वो हमारे लिए खतरनाक होगा, हमें सांस लेने में क्या होगी, समस्या होगी। दूसरी चीज, ये वनस्पति और जो अन्य जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक चीज ध्यान में क्लियर रखेंगे, यहाँ मेरा दोनों चीज मिक्स हो रहा है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अगर झोप मंडल में आपका ओजोन देखने को मिल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। लेकिन यही अगर ओजोन हमें समताप मंडल में देखने को मिल रहा है, समताप मंडल का मतलब क्या होता है, जहां पर तापमान समान होती है और इसीलिए यहां पर हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में क्या होता है आपका, अगर ओजोन परत मिलता है तो ये क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि जो झोप मंडल में मिले वो हमारे लिए खतरनाक है, जो समताप मंडल मिले वो हमारे लिए फायदेमंद है, बस ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। खराब ओजोन क्या करता है, शहरी प्रदूषण से बनता है, ठीक है। समताप मंडल जिसमें ओजोन परत भी है वो ओजोन अच्छा है, और वही चीजें अगर हम ये शॉर्ट में लिखा है, अगर वही हम बात करें घूम फिर कर, तो समताप मंडल में है इसका मतलब ये हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये हानिकारक जो पराबैंगनी किरण है उससे हमारी स्किन की रक्षा कर रहा है। दूसरी चीज, जो झोप मंडल में है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, कैसे, वो सांस लेने में दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी चीज, ये हमारे फसलों को पशुओं को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हो गई कुछ प्रमुख बातें। तो ये अभी हम क्या देख रहे थे, जो ओजोन परत है उसका परिचय देख रहे थे, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझ रहे थे, आगे भी समझेंगे, अभी परिचय ही चल रहा है। मतलब परिचय का मतलब ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, परिचय का मतलब इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अब यहां पर देखेंगे समताप मंडली ओजोन एवं पराबैंगनी विकरण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना उसमें ओजोन और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है जिसे हम यूवीआर कहते हैं उसके बारे में है। अभी हम तीन देख रहे थे ना रेडिएशन कौन कौन सा आपका, हम देख सकते हैं यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका अल्ट्रावायलेट सी है वो सबसे क्या है, खतरनाक है। तो यही चीज सब चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए, पराबैंगनी विकरण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से, यूवीआर का मतलब क्या है, यूवीआर का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा की विद्युत चुंबकी है, इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यह भी पूरे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है ना उनकी बात हो रही है ओवरऑल। तो इनका तरंग दैर्ध्य याद रखेंगे, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 100 mm से 400 mm तक होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए बता रही हूं ताकि हम रिस्क क्यों ले एग्जाम के लिए। यूवी विकरण में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी शामिल है, तीन है याद रखना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में तीन है
ABC, कुछ याद नहीं आता, ABCD तो याद है ना, बस ABC याद रखेंगे, जिसमें सी सबसे लास्ट में आ रहा है तो सी सबसे खतरनाक होगा, उसके पहले बी है तो ये सी के अपेक्षा थोड़ा खतरनाक होगा, और ए बेचारा पहले में आ रहा है तो ये सबसे कम खतरनाक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम अल्ट्रावायलेट ए की बात करते हैं। अब अल्ट्रावायलेट ए की हम बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का विकरण, मतलब रेडिएशन का सबसे कम खतरनाक रूप है। अभी हमने पढ़ा कि ए सबसे क्या होता है, खतरनाक होता है। इसका तरंग दैर्ध्य लगभग कितना होता है, 315 से 400 nm होता है, याद रखना है एकदम, कितना होता है 315 से 400 nm होता है। अल्ट्रावायलेट बी का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 280 से 315। अब इसका ज्यादा है ना, इसका कम है, 315 पहले वाले का कितना है, 315 से केवल 400। एकदम एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं रखना है, लेकिन इतना याद रखना है कि ए मतलब यहां लगभग 3 से 4 के बीच चलेगा, बी है मतलब 2 से किसके बीच चलेगा, 2 से 3 के बीच चलेगा, और सी है मतलब ये आपका कहां पहुंच जाएगा, ये आपका 1 में पहुंच जाएगा। तो 3, 2, 1 ऐसे कोड वर्ड करके आप याद कर सकते हैं। तो ए का हमने पढ़ा कि इसका तरंग दैर्ध्य लगभग 300 से 400 के बीच है, इसका कितना है 200 से 300 के बीच है, और आपका जो सी है जो सबसे खतरनाक किरण है इसका कितना है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका है, यहाँ पास दिया नहीं है, इसका भी लगभग आपके 100 से 200 के बीच होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब देखिए अल्ट्रावायलेट की हम बात करें तो ये सबसे कम खतरनाक है, इसका तरंग दैर्ध्य मात्र 315 से 400 होता है। अल्ट्रावायलेट बी का तरंग दैर्ध्य 280 से 315 होता है, और सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी होता है जिनका तरंग दैर्ध्य लगभग 100 से 280 के बीच होता है। वही लिखा है, मतलब ये सामने ही लिखा है आपका 100 से 280 के बीच, ठीक है। चलिए अगर हम अल्ट्रावायलेट सी की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के पूर्व ये क्या होता है, समताप मंडल में टकराता है जो ओजोन परत से जाके मिलता है। जैसे आप लोग सिकंदर वाला पढ़े होंगे, तो सिकंदर जब भारत में प्रवेश करने वाला होता है तो सबसे पहले उसका किससे सामना हो जाता है, पोरस से हो जाता है। तो भारत यहाँ पर क्या है, आपका समताप मंडल है, और पोरस यहाँ पर ओजोन परत है, और आपका जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है वो आपका सिकंदर है। तो ओजोन क्या करता है, ओजोन सिकंदर को रोक लेता है, आपका जो पोरस है वो सिकंदर को रोक लेता है। तो जब ये आपका अल्ट्रावायलेट सी है जब समताप मंडल में पहुंचता है तो ये जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत इसको रोक लेती है, कहां आने से, हम तक आने से, इसलिए हम क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो तीनों का तरंग दैर्ध्य याद रखना है, सबसे खतरनाक आपका अल्ट्रावायलेट सी होता है, फिर सबसे कम आपका ए होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट ए, ठीक है, यूवी ए। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सवाल देखिए बनता है, एक सवाल ये पूछा गया सवाल है ना, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं यहां से सवाल। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे खतरनाक हैं? तो सबसे खतरनाक कौन सा है, तो हमने पढ़ा कि अल्ट्रावायलेट सी सबसे खतरनाक है, ये सबसे अधिक खतरनाक है, ठीक है, सबसे अधिक। और सबसे कम पूछे तो अल्ट्रावायलेट ए, कंफ्यूज नहीं होना है, जो पहले नंबर पे आ रहा है मतलब बेचारा कम है, ठीक है, और ये लास्ट वाला बहुत खतरनाक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब ये कंपैरिजन के लिए हम देख सकते हैं, ये सबसे खतरनाक है इसलिए येलो में इसको रखा गया है, ये इससे थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा रेड किया गया, ये सबसे खतरनाक है तो ये इसको पूरी तरीके से रेड किया गया। मैं थोड़ा चेंज कर दे रही हूँ कलर, ये देखिए ये, फिर और ये सबसे खतरनाक। चलिए ये इमेज को ध्यान रखना है, एकदम बहुत ज्यादा मैं वो भी पढ़ा रही हूँ कि एकदम आप लोग पागल हो जाए, मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही हूँ कि जितना आपके एग्जाम में पूछा जाए, एकदम PSC लेवल का भी नहीं वो होना है, क्योंकि हम लोग को पता है हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एग्जाम को निकालना, ठीक है, सिलेक्शन लेना, तो हम उसी के आधार पर अपनी तैयारी करेंगे। आपकी तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ने से ज्यादा आपकी क्या होती है, रणनीति। मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट्स लोगों को कहती हूँ, आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप लोग क्या करें, हमेशा रणनीति पर ध्यान दें, रणनीति ही आपका क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा। पढ़ाई तो है, पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रणनीति, आप कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम में कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कितना कवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी रणनीति कहलाती हैं। और जब रणनीति अच्छी होगी तो सिलेक्शन पक्का होगा, और रणनीति क्या करती है, आपको कम समय में बहुत
बेहतर बनाती है। मतलब हम रणनीति के थ्रू, अगर हमारे पास वक्त कम है लेकिन अब हम पूरा रोड मैप तैयार करें ना, तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए, ओजोन परत के निर्माण की अगर हम बात करें तो हम जान रहे हैं, पढ़े थे, ये किससे बनता है? ऑक्सीजन के जब तीन परमाणु मिलते हैं आपस में तो क्या मिलता है आपका? ओजोन परत का निर्माण होता है। तो बेसिक हो गया। यहां ध्यान देंगे, ओजोन का निर्माण समताप मंडल में होता है, ठीक है? कब होता है? तब होता है जब ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन का अणु लगभग कितना होता है? 240 mn के बराबर होता है, ठीक है? mn छोटे तरंग दैर्ध्य अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को जब वो क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन परमाणु अतिरिक्त ऑक्सीजन अणु के साथ संयोजित होकर ओजोन का निर्माण करता है समताप मंडल में। इसी प्रक्रिया के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। तो ये हो गई कुछ थ्योरी, और ये आपका फॉर्मूला, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास था O2 था, ठीक। अब ये सौर प्रकाश है, इससे मिलकर क्या बना? ये ट्वाइस O बना। फिर ये जो था, ये पुनः ऑक्सीजन और ये जो आपका O2 है, ये आपस में मिले और O3 मतलब ओजोन का निर्माण करे। मतलब ये सौर प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करता है? ओजोन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका निर्माण करता है। परंतु साथ ही ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रतिक्रिया करके नष्ट भी हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुल मिला के आपको बेसिक इतना ध्यान रखना है कि जो ओजोन का निर्माण होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा आपके सौर्य प्रकाश में होता है, ठीक है? फोटॉन जिसको। अब है आपका ओजोन हाजरा। अब ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है, ऐसे कौन कौन से कारण है, या हम कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से गैसे हैं जो ओजोन हाजरा का कारण है? तो ओजोन हाजरा के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रदूषकों में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो हम जान रहे, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है। तो इनका याद रखना है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर वातानुकूलन या शीतलन, जिसको हम AC वगैरह कहते हैं ना, उसी में करते हैं। सफाई के विलायक में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है? एरोसॉल प्रोडक्ट में करते हैं, आपका फॉर्म इंसुलेशन में करते हैं, और अग्निशामक जो यंत्र होता है उसमें भी जो गैस प्रयोग किए जाते हैं और वो जो वायुमंडल में जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। वे एरोसॉल के लिए रूप में समताप मंडल में चले जाते हैं, निश्चित रूप से ऊपर जाते हैं और ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। गैस का बस नाम याद रखना है, जेट इंजन, ये एग्जांपल है। ऐसे कौन कौन से वाहन है, या हम कह सकते हैं वाहन तो आपका चलाने वाला हो गया, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा ओजोन परत हार्श हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जेट इंजन, मोटर वाहन, नाइट्रोजन उर्वरक एवं औद्योगिक प्रक्रिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। सप्ताप मंडल की ऊंचाई पर उड़ते हुए जो सुपरसोनिक विमान होते हैं ना, वो भी आपके ओजोन परत को नुकसान करते हैं, छिद्र का कारण बनते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ओजोन परत का हमने परिचय पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या चीजों को देखा, हम समझे कि ओजोन परत होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका हाश्र कैसा होता है, और भी हम देख रहे थे ऐसे कौन कौन से उत्तरदायी गैसें हैं, इसका प्रकार हमने देखा, और हमने पराबैंगनी किरणों को समझा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किससे किससे हमारी रक्षा करता है, इसका महत्व क्या है। ये एक था बेसिक, क्योंकि ओजोन से अगर कोई सवाल बनेगा तो यहीं से बनेंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो ओजोन के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, सवाल अगर आप टीचिंग का कर रहे हैं तो यहाँ के लिए सफिशियंट है। चलिए चलिए, हमारा टॉपिक यहीं तक था, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।